मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का जस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो विद्यार्थीगण, आप लोगों को बता दें कि यूपी बोर्ड का जो है मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट का आ चुका है, जिसमें आपका जो है ये मॉडल पेपर विज्ञान का है, और इसका जो है पीडीएफ लिंक भी आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ इसके जो भी क्वेश्चन है, इन सब पे जो है तैयारी कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। आपका जो है पेपर कम से कम मार्च अप्रैल में होने की संभावना है, और परीक्षा जो है 15 दिन में पूरी करा ली जाएगी। तो इसलिए जो है दोस्तों, मॉडल पेपर का तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए, आप लोग का मॉडल पेपर दिया हुआ है, ये आपका जो है निर्देश दिया हुआ है। पहला निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में क ख ग में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न जो है बहुविकल्पी है, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद से प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से जो है प्रारंभ किए जाएँ, ठीक है। मैंने बीच में अगर आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, तो नया खंड जो है, मैंने पृष्ठ जो है नया लेके ही करना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद से है सभी प्रश्न जो है करने अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं, और इससे आप लोग देख लीजिएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में देना है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरण द्वारा दीजिए। तो जो भी रासायनिक समीकरण, देखिए दोस्तों, समीकरण केमिस्ट्री में जो है रासायनिक समीकरण प्रत्येक उदाहरण को देना जो है जरूरी होता है, रासायनिक समीकरण उदाहरण के रूप में। तो आप लोग जरूर रासायनिक समीकरण केमिस्ट्री में लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, खंड क आपका जो है प्रारंभ होता है, और यहाँ पे देखिए खंड क का प्रश्न संख्या 1 क है। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, कहाँ पे बनेगा? ये 4 विकल्प है, इसमें से कोई एक सही है, इसको आप लोग को बताना है। इसके बाद से दोस्तों, ख में देख रहे हैं कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोगों को बताना है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो है युक्ति को क्या कहते हैं? यहाँ पे जो है 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से एक सही है, इसको बताइएगा जरूर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? उसके बाद से घ है, अभिनेत्र लेंस की जो है फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से कोई एक विकल्प सही है, अपने उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिएगा। तो फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न 2 है। क, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है, और क्यों? तो इसको भी जो है देख लीजिएगा। ख है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस 10 सेमी दूरी पर जो है प्रतिबिंब बने। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ग, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है? तो जरा दृष्टि दोष क्या है और इसका निवारण क्या है, आप लोग को बताना है। प्रश्न संख्या 3 है। ख, क, प्रकाश के जो है प्रवर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के जो है सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर जो है प्रत्येक स्थिति में जो है प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ज्ञात कीजिए। इसके बाद से है, अथवा करके दिया है, या तो इसको कीजिए या तो इसको करना है, तो किसी एक को ही करना है। लेंस क्या होता है? प्रकाशिक गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल लेंस, उत्तल उत्तल नहीं है, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर जो है स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर जो है दर्शाइए। ख है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर जो है निर्भर करता है? दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के जो है किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है? ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, और 2019 में भी ये पूछा था, और इस साल भी पूछने की संभावना बन रही है। अथवा कह रहा है कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम 20 ओम तथा 30 ओम के जो है प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं, तो जो है समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। और दोस्तों, आप लोग का कॉमेंट आएगा, और अधिक से अधिक कॉमेंट आएगा तो इसका सोल्यूशन भी आप लोग को बताएंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 देखिए। मोटर का नामांकित चित्र जो है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र जो है नामांकित आरेख खींचकर जो सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। अथवा परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका का चुंबक की भांति कैसा व्यवहार करती है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारा परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का जो है निर्धारण कैसे किया जाता है, इसको भी आप लोगों को बताना है। इसके बाद से खंड ख है। खंड ख में जो है प्रश्न संख्या 5 क है कि जेडियन प्लस यू एस ओ फोर प्लस जेडियन एस ओ फोर प्लस का पर रासायनिक जो अभिक्रिया किस प्रकार की जाती है?
इसमें जो है आप लोग को बताना है संयोजन अवक्रिया, विस्थापन अवक्रिया, इसमें से कौन सा सही है, इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। इसके बाद से आगे देखते हैं, इसके बाद से ख है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा, धान सोडा, भृंजक चूर्ण तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि गौ निम्न में से किस यौगिक में जो है OH एक जो क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनाइक अम्ल जो है और ब्यूटेनॉल, तो इसमें से आपको बताना है। क्व है, रेडॉक्स अभिक्रिया से जो है क्या अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर जो है समझाइए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में दाएं बाएं से जो है दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। इसके बाद से दिया है निम्नलिखित का जो है IUPAC नाम लिखिए, इसका और इसका, ठीक है, IUPAC नाम लिखना है। इसके बाद से संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं के संक्षारण रोकने की दो विधियाँ क्या हैं बताना है। निम्नलिखित पर जो है टिप्पणी लिखिए, कार्बनिक यौगिकों में जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया और समजातीय श्रेणी क्या है। इसके बाद से जो है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण लिखिए, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, एथेनॉल अल्कोहल को जो है 443 के ताप पर जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, मेथेन को जो वायु में जलाया जाता है तो क्या होता है, और एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ जो अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। इसके बाद से आगे देखते हैं, इसमें देखिए पांचवा है, एथेनाइक अम्ल जो है सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या होता है, एथेनाइक अम्ल की जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, और एथिल अल्कोहल का जो क्षारीय के एमिनोफोर्स की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है। इसके बाद से जो है आपका खंड ग है, खंड ग जो है भौतिक विज्ञान से है, नहीं जीव विज्ञान से है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का जो है भाग नहीं है, इसके बाद से जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है ये बताना है, पवन चक्कियों का उपयोग किन किन कार्यों को करने में होता है, जो है इसमें से चार विकल्प सही है, एक को बताना है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा जो अभिघटित हो जाते हैं वे कहलाते हैं। इसके बाद से जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है, उसके उप उत्पाद क्या हैं, पुष्प के बीजाण का जो स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है इसको भी आप लोगों को बताना है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग जो है यहाँ पे 11 नंबर पे है, क कायिक प्रबंधन क्या है, उदाहरण सहित जो है वर्णन कीजिए, अथवा मादा जनन तंत्र का जो है स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बाद से ख है, लिंग सूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग का निर्धारण प्रक्रिया को जो है समझाइए, जीववास में क्या है, वे जो है जैव विकास प्रक्रम में के विषय में क्या दर्शाते हैं। इसके बाद से प्रश्न संख्या 12 है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। इसके बाद से पादप में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यह जो 12 क्वेश्चन है और इसको जो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 65% से 70% जो है क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।